जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा न्यूज ने बात की मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से, तो उन्होंने एक बड़ा दावा किया शिवांगी, और वो हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। बड़ी जानकारी है, नायब सिंह सैनी ने दावा यह किया है कि प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है, और लगातार जब से चुनाव प्रचार शुरू किया है बीजेपी यही दावा कर रही है 2014 से भी बड़ी जीत इस बार भारतीय जनता पार्टी की होगी, और झूठ की राजनीति कांग्रेस करती है ऐसा उनका कहना है, और इन चुनावों में कांग्रेस की करारी हार होगी। कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का यह कहना है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि देखिए, बीजेपी की तरफ से बार बार यही दावा किया जा रहा है कि वो अपने तीसरे टेन्योर में आएंगे, प्रदेश की जनता उनको एक बार फिर से रिपीट करेंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान जारी है, और थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी मतदान किया अपने पैतृक गांव में मिर्जापुर में, जो अंबाला के नारायणगढ़ जिले में पड़ता है। फिलहाल मुख्यमंत्री हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं कि आखिर इस बार भाजपा को कैसी देखते हैं। सर, मतदान आपने किया है, पूरे प्रदेश में मतदान जारी है, भाजपा की स्थिति कैसे देखते हैं? जोर शोर से प्रचार भी किया गया, तमाम सीनियर नेता भी पहुंचे, आप भी लगातार प्रचार में थे, इस समय क्या स्थिति भाजपा की देखते हैं? देखिए, हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, बड़े मैंडेट के साथ बन रही है। हमने 10 वर्षों में, पिछली जो हमारी डबल इंजन की सरकार थी मोदी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर ईमानदारी से काम करते हुए आगे बढ़ी है, हरियाणा को आगे बढ़ाने का काम किया। हरियाणा में पहले क्षेत्रवाद था, हरियाणा में पहले लाइन में खड़े होकर के हमें सम्मान मिलता था, हरियाणा के अंदर परिवारवाद था, हरियाणा के अंदर भेदभाव बरता जाता था। हमने उन सब बातों के ऊपर विराम लगाया है। आज किसी को भी ना तो लाइन में खड़ा होना पड़ता है, घर बैठे ही उसको सुविधा मिलती है, और आज हरियाणा के लिए हमारी सरकार ने लोगों के जीवन को सरल सुगम करने का काम करने का हमने 10 वर्षों के अंदर किया है। चाहे हर जिलों को 4 लाइनिंग से जोड़ा है, चाहे हर जिला के अंदर हमने मेडिकल कॉलेज खड़ा किया है, 7 जिले शेष बचे, 8 तारीख के बाद वो भी चालू हो जाएंगे। 15 जिलों के अंदर हमारी सरकार ने मेडिकल कॉलेज बनाए हैं, कॉलेज बनाए हैं बेटियों के लिए। लाखों की संख्या में हरियाणा प्रदेश के अंदर बेटियां, जो दूर पढ़ने के लिए माँ बाप नहीं भेजता था, अब उनके नज़दीक में कॉलेज है, और बेटियों को अच्छी शिक्षा वहाँ मिल रही है। हमने नौकरियां बिना पर्ची बिना खर्ची के दी है, युवाओं के अंदर एक विश्वास बढ़ा है। कांग्रेस ने तो पहले ही अपने मैनिफेस्टो में ही हिस्सेदारी बांटनी शुरू कर दी है, जो 2014 से पहले भ्रष्टाचार था उस भ्रष्टाचार की तरफ बढ़ रही है। लोग अब भ्रष्टाचार की तरफ नहीं जाना चाहते लोग, क्योंकि इसकी दुकान के अंदर झूठ का सामान है, कोई सामान नहीं रहा, और लोगों को ये 8 तारीख के बाद इनका ये गुब्बारा फूट जाएगा, और फूटेगा तो इनका सारा सुपड़ा साफ हो जाए। जो विपक्ष आरोप लगाता है सरकार पर बेरोजगारी को लेकर, किसानों को लेकर, वो आरोप कितने सही हैं और कहां सरकार को देखते हैं? मैंने हुड्डा साहब को कहा था, अभी आप 2 लाख की बात कर रहे हैं, आपके किसी ने हाथ बांधे थे? आप 2014 से पहले मुख्यमंत्री थे, आपको बेरोजगारी नहीं दिखाई दी? कोई और तो मुख्यमंत्री नहीं था, वही मुख्यमंत्री थे, और आपके हाथ किसी ने बांधे हुए नहीं थे। उस बेरोजगारी को खत्म करना चाहिए था, क्यों नहीं किया? उस बेरोजगारी को हम खत्म कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं, बिना पर्ची बिना खर्ची के कर रहे हैं। ये लोग तो रेट निकलते थे, कितना किस बच्चे का रेट होगा, कौन सी नौकरी का क्या रेट होगा, ये रेट निकलता था। अशोक कुमार ने पार्टी छोड़ी, कोई कारण सामने आया कि उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया? कारण नहीं है, उसके पैर में चक्री है, उसने अपनी राजनीति के ऊपर विराम लगा दिया है, अब वो आराम कर। सर, एक आखिरी सवाल है, कांग्रेस जो दावे कर रही है बहुमत साबित करने की, उस पर क्या कहेंगे जो इसके? कांग्रेस के पास कुछ नहीं, मैंने कहा कि झूठ की राजनीति कर रही है, और उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। पीछे भी ये बात बोलते रहे कि इनके पास अल्पमत में है, सरकार अल्पमत में है, जबकि हम पूर्ण बहुमत में थे। हम राज्यसभा के अंदर जब हमारा प्रत्याशी आया, ये हिम्मत नहीं कर पाए खड़ा करने की, ये हालत थी इनकी, ये झूठ बोलते हैं। तो ये थे प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी, जिन्होंने विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि चुनाव के बाद 8 तारीख को जब परिणाम आएगा तो हरियाणा में तीसरी बार भाजपा जो है बहुमत की सरकार बनाने जा रही है, और इतना बड़ा बहुमत प्राप्त होगा जो 2014 में भी नहीं होता, उससे बड़ा बहुमत सरकार इस बार प्राप्त करने जा रही है। और कांग्रेस को लेकर कहा कि कांग्रेस झूठेबाजी करती है, लोगों से झूठे बातें बोलकर लोगों को बरगलाने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार कांग्रेस की बहुत बड़ी हार होगी। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल दीवान के साथ विजय राणा, जी मीडिया, नारायणगढ़।